है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आपके अलावा घर का कोई भी इंसान मेरे संपर्क में कहाँ है? लेकिन देखना, एक दिन सूरज की खबर तुम मुझसे नहीं बल्कि मैं तुमसे लूंगा। उसी दिन के लिए जी रही हूँ। बहुत जल्द लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मेरे तो जीवन के दो ही लक्ष्य हैं। पहला जनता की सेवा करना और दूसरा अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना। तथास्तु। लेकिन हमने जो है ना 1,00,000 पेड़ लगाने का आवेदन कर दिया है। देखो, अगर मुझसे पैसे ऐंठने की ये कोई नई तरकीब है ना, तो अपने दिल से निकाल दो इसे, क्योंकि मैं तुम्हें 1 रुपया भी देने वाला नहीं हूँ। आपको क्या लगता है बाबूजी, आप नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा? देखिए बाबूजी, मुझे भी पता है कि आप मुझे 1 रुपया देने वाले नहीं हैं, इसीलिए जो है मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। हेलो। हाँ हेलो, हम शिवा बोल रहे हैं। हाँ शिवा बोलो, फोन क्यों किया? वो वृक्षारोपण का मैसेज आया था फोन पे, कुछ हो रहा है क्या? अरे हाँ, वो तुम्हारी एप्लीकेशन प्रोसेस में है, शायद जल्दी तुम्हें बातचीत के लिए बुलाएंगे वो लोग। अरे नहीं, ये सब आपकी मेहरबानी है, आपने बड़े अच्छे मन से जो फोन फिलअप कर दिया इसलिए सब हो रहा है। अच्छा, थैंक यू। अरे मैंने उस दिन आपको देखा, पंचायत कार्यालय से आप जब गुजर रही थी तो। कब? शायद परसों, सोचा एक बार नमस्ते कर लूं, लेकिन। अरे हाँ, वो परसों दोपहर को मैं बैंक गई थी, वो मेरी एग्जाम की फीस ऑनलाइन ट्रांसफर करनी थी तो। बट तुमने अगर मुझे देखा तो मिले क्यों नहीं आकर? मैंने सोचा कि शायद आपको ठीक लगे ना लगे, वैसे भी मेरी गांव में जो है इमेज कुछ खास नहीं है। देखो शिवा, वो तुम्हारा पास्ट था जिसे तुम पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। और किसी को क्या दिक्कत होगी? और अगर किसी को कोई दिक्कत है भी तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार जब आप दिखेंगे ना तो मैं नमस्ते जरूर करूंगा, क्योंकि सबकी सोच आपकी जैसी ही होती है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी बदनामी हो और गांव के लोग आपके बारे में कुछ सोचें। जिसको जो सोचना है सोचने दो, और वैसे भी मेरे लिए यह मायने रखता है कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा दिल क्या कहता है और मैं क्या करती हूँ। तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, अगर तुम्हारी एप्लीकेशन पास हो जाती है तो NGO के थ्रू तुम्हें एक अच्छी धनराशि मिलेगी जिससे तुम गांव में पेड़ लगाओगे, और क्या चाहिए। आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। दुनिया में कौन सा भयंकर रोग, क्या कहेंगे लोग। सही कहा आपने, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तुम भी बातें अच्छी करते हो। आप शायद बिजी होंगी, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। ठीक है, ओके, बाय। प्रधान जी, मेरा एक सुझाव है, हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें हमारे गांव के लोगों का कौशल दर्ज किया जाए, ताकि हम अपने गांव के लोगों का इस्तेमाल बेहतर ढंग से कर सकें। हाँ धीरज,
मैं सहमत हूं, कम से कम काम तो चलेगा लोगों का। हमारे पास कितने आदमी हैं और वो क्या कर सकते हैं, इसकी एक लिस्ट हमारे पास होना ही चाहिए। प्रधान जी। अरे धर्मा क्या हुआ, बैठ लिया लो, पानी पियो, पहले पानी पियो। अरे सांस तो ले लो, क्या आफत आ गई? अरे हफ्ते आ गए हैं प्रधान जी, क्या बता, अरे अपना गांव का स्कूल का कंपाउंड नहीं है। ब्लॉक ऑफिस से पता नहीं कहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सर्वे करने आए होंगे। नहीं नहीं जिसे भाई, सर्वे उर्वे नहीं है, सर्वे होता है तो तोड़ू दस्ता को लेके आते, पूरा सीढ़ी उठी लेके आए हुए हैं, पूरा दस्ता लेके आए हुए हैं तोड़ने के लिए। वहां के लोगों से कहा सुनी कर रहे हैं, लेकिन इसकी सूचना तो पंचायत में नहीं थी। बिल्कुल नहीं, कल मैं ब्लॉक ऑफिस गया था, वहां अवस्थी जी मिले थे, अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो वो इशारा तो देते। आपने बोर्ड उतरते देखा क्या? अब इतना भीड़ में हमको कुछ दिखाई दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अफरा तफरी मचा था कि हम एकदम समझ में हमको कुछ नहीं आ रहा था, हम सोचे कि पहले आप लोग को बता देते। कुछ रिपेयर का काम करने आए होंगे। तो इतना दुनिया हम भी देखे हैं धीरज भाई, रिपेयर का काम ऐसा होता है, रिपेयर का काम होता तो बेंच को उठा के बाहर फेंक देते, पूरा बोर्ड को उतार के नीचे फेंक देते। वहां के लोग का नाफूसी कर रहे थे कि प्रशासन स्कूल बंद करवा रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बीच सेशन में कोई स्कूल बंद होता है क्या? इसका ये मतलब थोड़ी है कि बच्चे कम है तो स्कूल बंद करवा दे। अरे जितने मुंह उतनी बातें, चलो वहीं चलकर देखते हैं। प्रधान जी गांव के सभी लोगों को साथ ले लेते हैं, दबाव बना रहेगा। अरे दबाव बनाने की जरूरत नहीं है गोकुल, अपना प्रशासन है, बस मैं ये चाहता हूं कि मासा वहां आ जाएं, ताकि हमारा कोई भी व्यक्ति शिवा से न उलझे। ये बात सही है, शिवा माहौल को कभी भी विस्फोटक बना सकता है, इसलिए मैं भास्कर चाचा को अपने साथ लेकर आता हूं। ठीक। आप सब लोग ध्यान से सुनो, गांव में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे तनाव पैदा हो, ठीक है? अच्छा बबलू भाई, अब मुन्ना जी आप लोग ना घर जाइए, और किसी से कुछ बोलिएगा नहीं, कोई मिले ना तो जितना हो सके ना माहौल को सहज बना के रखिएगा, ठीक है? हम लोग चलते हैं, आइए। छाया। हाँ भैया। एक गिलास पानी दे बेटा। अभी लाती हूँ। मजा आ गया, बहुत सालों के बाद गया था ना बस अड्डे पे, वहां की तो पूरी कायक पलट ही हो गई। आपको क्या लगता है बस अड्डा वही रहेगा? गांव है भैया, बहुत कुछ बदल चुका है अभी यहाँ पे। हाँ मैंने तो पहचान ही नहीं कि ये अपना बस अड्डा है। अच्छा इंतजाम किया है ना, साधारण बस वहां से जाएंगी, डीलक्स वहां से जाएंगी, और एक्सप्रेस वे वहां से, बहुत बढ़िया। गति तो धीमी है भैया, लेकिन बदलाव जरूर हो रहा है। माँ को देखा था तुमने कैसे बेंच पर बैठी हुई थी, अगर माँ का बस चलता ना तो माँ तो वेटिंग रूम में ही बैठी रह जाती। मैं गांव का प्रधान हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह सब क्या चल रहा है, ये सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? देखिए बोर्ड हटाने, स्कूल का सामान निकालने का हमें ऑर्डर मिला है जो हम कर रहे हैं,
किसने दिया आपको ऑर्डर? ब्लॉक ऑफिस से हमें ऑर्डर मिला है, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप वहां जाके बात कीजिए। किसके रोके रुका है सवेरा? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा? आपको पता भी है, जब मैंने उनको बोला कि बस आ गई है तो उनका चेहरा देखने लायक था, कहने लगी मुई बस को भी अभी आना था। अच्छा तुझे याद है बचपन में जब हम लोग बाहर जाते थे ना सफर पे, तो हम दोनों बहुत लड़ते थे कि खिड़की पर मैं बैठूंगा मैं बैठूंगी, याद है? झगड़ा तुम किया करते थे भैया, मैं नहीं करती थी। और वो माँ कहा करती थी ना, पहले तुम बैठ जा फिर इसे बैठा देना। तुम तो बहुत सीधी थी है ना। वैसे ना आजकल ना ये एसी वाले बसें हो गई है, तब खिड़की से हवा नहीं बस खिड़की से ना बाहर का नजारा ले सकते। अच्छा वैसे आजकल ना ट्रेनों में उसमें वंदे भारत, तेजस, शताब्दी ये बहुत अच्छी ट्रेनें हैं सफर करने लायक, बिल्कुल हवाई जहाज की तरह है। अरे वो हवाई जहाज से याद आया ना, भूख लगी है, जा कुछ खाने को ले आ। खाना बनाना पड़ेगा। अच्छा तो माँ को जानती है ना, माँ ने पक्का कुछ ना कुछ बना के रखा होगा, क्योंकि माँ चाहती है ना कि जब तक तुम्हारे बने हाथों के खाने से बचे रहे ना उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो अगर मेरे हाथ का खाना इतना ही खराब लगता है तो उन्हें क्यों नहीं बुला लेते? सॉरी सॉरी भैया, अब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। सॉरी। अरे धीरज भाई, अरे माँ साहब कहाँ हैं? मेरा मतलब भास्कर जी कहाँ हैं? चाचा घर पे नहीं है, मोबाइल छोड़ के चले गए हैं, मैंने चाची को संदेश दे दिया है। अब शिवा कहाँ है? अरे शिवा सबसे उलझ के गया अभी। हाँ और धमकी देके गया कि आदमी को लेके आ रहा है। शाम तुम यहीं रुको, शिवा अगर अपने आदमियों के साथ आता हुआ दिखाई दे तो उलझना मत, बस हमें खबर कर देना। जी प्रधान जी। चलो आओ देखते हैं मामला क्या है। आओ। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी निकालो निकालो जल्दी। हाँ निकालो बोर्ड। मैं गांव का प्रधान हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह सब क्या चल रहा है, ये सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? देखिए बोर्ड हटाने और स्कूल का सामान निकालने का हमें ऑर्डर मिला है जो हम कर रहे हैं। नाताल की छुट्टी में यहाँ कुछ और काम भी होगा, शायद कल से तोड़ दस्ता भी आ जाएगा। किसने दिया आपको ऑर्डर? ब्लॉक ऑफिस से हमें ऑर्डर मिला है, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप वहां जाके बात कीजिए। देखिए हम समझ रहे हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि प्रधान जी इनसे उलझने का कोई मतलब नहीं, अपना ऑर्डर पूरा कर रहे हैं। आप अवस्थी जी को फोन लगाइए। हाँ प्रधान जी आप कॉल लगाइए। हाँ हेलो। हाँ अवस्थी जी मैं प्रधान बोल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपके कुछ लोग आए हैं। और यहाँ सामान हटा रहे हैं, बोर्ड भी तोड़ दिया तो मैंने सोचा कि जी जी वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई खास जानकारी नहीं है, ब्लॉक ऑफिस से इन लोगों को ऑर्डर मिले, हमें जो कुछ करना है वो बहुत जल्दी करना होगा। तो फिर यहाँ पे कर क्या रहे हम लोग, जल्दी कार्यालय चलते हैं, ये तो कार्यालय भी बंद हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं फटाक से कार्यालय। प्रधान जी चलिए। हाँ चलिए आइए। अपनी जमीन तो मैं हासिल करके रहूंगा। अरे जा, बहुत आया जमीन हासिल करने वाला, तेरे जैसे बहुतों को देखा जमीन हासिल करने वालों को।
देखो चंदन बेटा, कागज पत्र जो जमीन का है ना, उसे तो सब शिवा बेटा के पास है। धोखे से साइन किए कागज, पिताजी ने सारे पैसे उसको लौटा दिए थे। उन्हें क्या पता था कि कागज पे क्या लिखा हुआ है? बाबूजी बाबूजी करके इसने पिताजी को ठग लिया। अरे ऐसे कोई किसी को ठग लेता है क्या? साइन किया है उन्होंने और कागज पे लिखा हुआ है कि मुझे सब समझा दिया गया, मैं अपनी मर्जी से साइन कर रहा हूं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। यही बात तो मैंने ब्लॉक ऑफिस में दर्ज कराई है, अब तो सिर्फ सुनवाई होगी। देखो चंदन बेटा, तुम तो अभी शहर को ही अपना घर बना लियो, इतने साल से तुम वहीं रह रहे हो, गांव से तो तुम्हारा नाता कट गया ना। काका यही तो सबसे बड़ी भूल की मैंने, जो शहर की ओर रुख कर लिया और इसको यहां पर षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। हम तुम्हारा भलाई करना चाहते हैं और तुम हमारा गला पकड़ते हो, क्या संस्कार है तुम्हारा? मैंने कहा था ना चाचा कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अगर तुम लोग को लड़ना है ना तो तब लड़ने ना, जब हम यहां पर नहीं रहेंगे। तुमको पैसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है रुक जाते हैं, नया वीडियो आएगा तुम्हारे हक में फैसला सुना देगा, तब तक रुक जाते हैं। किसके रोके रुका है सवेरा? ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा? देखो चंदन बेटा, हम भी यही कह रहे हैं कि जो होना था ना वो हो गया, ये ऑफिस ऑफिस का चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं है। ऑफिसर है का आज यहाँ रहता है कल चला जाता है, अभी क्या है, हम लोग वीडियो के लिए इंतजार कर रहे हैं ना, अब वो आएगा। तुम्हारा हक में फैसला दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो फिर जमीन तो नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे इसके हक में फैसला हो जाएगा चाचा, कोई कागज पत्र है क्या इसके पास? और तुम ये चंदन से लड़ कह रहे हो, हा? ये कोई घर है, ये भी अपना है, हा? इस गांव में नहीं रहता है शहर में रहता है, उसका क्या मतलब? आखिर है तो इस गांव का ही बेटा। देखो चंदन बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि जो कुछ हो गया ना उस पर मिट्टी डाल दो, अगर तुम चाहो तो हम शिवा से बात करके उससे तुमको कुछ पैसा दिला देते हैं। तुम खाली कागज पर साइन कर दो बेटा। तू भी इससे मिला हुआ है, हैं? जिसने सच झूठ बोलकर पिताजी से साइन तो करा लिए, अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी मर्जी से साइन कर दूं? इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगा, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं, समझा? वो तो दिख रहा है, दिख रहा है तुम कितना बड़ा होशियार हो, दिख रहा है। हम तुम्हारा भलाई करना चाहते हैं और तुम हमारा गला पकड़ते हो, क्या संस्कार है तुम्हारा? मैंने कहा था ना चाचा कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तुझे तो मैं देखूंगा। देखो तुम दोनों ना लड़ाई झगड़ा ना मेरे सामने मत करो, अगर तुम लोग को लड़ना है ना तो तब लड़ने ना, जब हम यहां पर नहीं रहेंगे। हम तुम्हारा भला चाह रहे हैं, किसी ने सच्चे कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल। तुमको पैसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा कागज पक्का है और ये कार्यालय तुम्हारे हक में फैसला देगा तो कंगन हाथ पारसी क्या, रुक जाते हैं, नया वीडियो आएगा तुम्हारे हक में फैसला सुना देगा, तब तक रुक जाते हैं। अबे जा, देख लूंगा तुझे मैं। मैंने कहा था ना चाचा ये ऐसा नहीं मानने वाला। अरे तो कोशिश करने में कहा जाता है, अगर मान जाता तो काम हो जाता ना। तुम भी तो हमको ये नहीं बताए थे कि तुम्हारे पास कागज पूरा नहीं है, जो है सब कच्चा है। अगर थोड़ी सी सेटिंग हो जाती है चाचा,
देखो ये जो तुम्हारा अगर है ना, यही तुमको हराता है, हराएगा। वैसे चाचा आप इसकी तरफदारी करने का ढोंग जो है बड़ी अच्छा किए थे कुछ देर के लिए तो। अभी तक तो तुम हमारा पूरा गुण दिखवे नहीं किया, तुम तो हमेशा हमको हल्के में लेते रहते। हल्के में मतलब बेटा बहुत भारी पड़ जाएगा। ए चाचा, अरे हम आपका सम्मान करते हैं। का सम्मान करते हो, का सम्मान करते हो? सुबह से लेकर के अभी तक धूप में चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो, थक गए हैं। कुछ नाश्ता चाय इसका भी व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ए चाचा, ये चाय पीने का टाइम है कि शाम की दवाई का? तो यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलिए। अच्छी बात यह है कि अधिकारी से मिलने के लिए बहुत कम लोग हैं, वरना हमें कल फिर आना पड़ता। सही कह रहे। और ये भी अच्छा हुआ कि चलने से पहले हम लोगों ने अवस्थी जी से बात कर ली थी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा, हमको ये को बात समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल का है बंद करवा रहा है। पिछला साल मान लीजिए नंबर कम आया था बच्चा लोग का, तो इसका मतलब स्कूल बंद करवा देगी प्रशासन। अब हमें यह भी पता नहीं है ना स्कूल बंद हो रहा है या नहीं बंद हो रहा है, और कोई सटीक जानकारी भी नहीं है ना कोई संकेत है। अरे भैया, स्कूल का बोर्ड नीचे उतार दिया है, सारा सामान बाहर रख दिया है, पर इससे बड़ा क्या संकेत हो सकता है? पर आप कहते हो कोई संकेत नहीं है, पर कम से कम ये बात तो पता चले कि गांव के बच्चों को भेजना कहाँ है। स्कूल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जाने की दिक्कत है, बहुत से लोगों की पढ़ाई छूट जाएगी। देखो अपने अनुमान लगाना बंद करो, अभी अंदर जाएंगे अधिकारी हमें क्या बताते हैं पहले वो सुनेंगे, फिर हम अपनी बात रखेंगे। सही कह रहे हैं। हाँ यही बेहतर होगा। मान लो कि अगर स्कूल शिफ्ट भी कर रहे हैं ना, तो हम अपनी बात बड़ी ही सहजता से रखेंगे। एक काम करते, गांव के और लोगों को भी इकट्ठा कर लेते, संख्या देख के प्रशासन पे दबाव बनेगा। देखो संख्या दिखाने का जब वक्त आएगा तब वो भी दिखाएंगे। इस तरह से धरना देना और लोगों को बुलाना, इससे तो माहौल बिगड़ सकता है। जब हम अपनी बात 4 लोग कह सकते हैं तो उसके लिए 40 लोगों को क्यों बुलाना है? सही कह रहे, बात तो सही है प्रधान जी। प्रेस वाले को तो जानते ही हो ना, 4 का 40 बताएंगे और सब गोबर हो जाएगा। अरे भाई, हमारे साथ हमारे गांव के प्रधान जी हैं, हम आराम से बात करने आए हैं, कोई शोर शराबा करने नहीं आए हैं। अराजकता फैलाने से थोड़ी ना काम हो जाता है। ठीक है भैया, बिना पूरी जानकारी लिए आंदोलन करना ठीक भी नहीं होगा। आप सही कहते हो भैया। अच्छा मान लीजिए कि अगर स्कूल शिफ्ट भी करते हैं तो भी तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, उसमें तो वक्त लगेगा ही ना। तो हम तो कहते हैं कि हम लोग को ना अफसर से मिलना चाहिए, आला अफसर से, विधायक जी से मिलते तो ज्यादा अच्छा रहता, वो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए, क्या बोलते हैं? देखिए हमारी तरफ से प्रधान जी ही बात करेंगे, हम लोग उनके साथ में रहेंगे क्योंकि वो निर्वाचित है। बहुत अच्छा रहेगा, ईश्वर करे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बस मैं तो यही चाहता हूं। अरे देखो भास्कर जी आ गए। नमस्कार प्रधान जी। अरे वो चाचा जी कहाँ चले गए थे? मैं आपके घर गया था चाचा जी संदेश। मैं स्कूल चला गया था, वहाँ पता चला कि आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए भाग भाग के आ रहा हूँ। आप लोग बाहर क्यों खड़े? अधिकारी आए नहीं क्या? नहीं, उन्हीं का तो वेट कर रहे हैं। भैया आपने जो राह दिखाई, आपने जो निर्देश दिए, उनके चलते चलते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब आगे क्या? वीडियो मैडम,
मुझे जहां आपको देखना चाहिए था मैंने देख लिया। अब आगे जनमानस की सेवा करके तुम्हें आगे बढ़ना है। बेटा जाओ बैठो चेयर पर। जी। आना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका